सुधार होगा, नहीं तो अभी भी देखिए दोस्तों आदमी सब क्या करते हैं, एक दूसरे को जो है हत्या कर देते हैं, फिर बस पैसे फेंक के बाहर आ जाते हैं। हमको कहीं जाने के लिए देते नहीं हैं मम्मी पापा, क्योंकि मम्मी पापा बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। ये जो देख रहे हैं ना घर, इस तरह का और ये इस तरह का टूटा फूटा नहीं रहता, हम लोग मकान बना लेते हैं, ठीक है। अभी जितना भी पैसा हो रहा है बीमारी में। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब, आप सबका स्वागत है हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करते कि अच्छे ही होंगे। तो फिलहाल देख सकते हैं दोस्तों अभी हम कहाँ पे हैं, द्वार पे हैं, है ना, द्वार पे अभी कोई नहीं है, मम्मी पापा कहीं गए हैं बाहर, क्योंकि तो काम था, कामे से गए हैं, और आरती जी अभी घर में सोई हुई है ना। और दोस्तों हम जो है क्या बताएंगे, हमको कहीं जाने के लिए देते नहीं हैं मम्मी पापा, क्योंकि मम्मी पापा बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, इसी के कारण कहीं जाने नहीं देते हैं। क्योंकि ऐसा बड़ा हादसा हुआ है ना, इतना बड़ा हादसा हुआ है दोस्तों, कोई भी रहे ना सबको डर लगता है, इसीलिए कहीं जाने के लिए नहीं देते हैं। सोचते हैं एक ठो तो दोस्तों चल गया, दूसरा चल जाएगा तो फिर कौन देखेगा, है ना, यही सब, इसी सब के खातिर जो है हमको कहीं जाने नहीं देता है दोस्तों, और घर में रहते हैं और सोचते हैं कि कुछ जाएंगे करेंगे काम धंधा, लेकिन जो है अभी फ़िलहाल नहीं जा पा रहे हैं। इधर जो है छोटू का भी केस में जो है अभी फ़िलहाल चल रहा है ना, छोटू का भी केस चल रहा है और थोड़ा बहुत लफड़ा है, देखिए अगर वो क्लियर हो जाता है तो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे, है ना। पापा भी गए हैं तो उसी के सिलसिले में गए हैं, और देखिए क्या होता है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग का जीत हो दोस्तों, सच्चाई का जीत हो। अगर हम लोग नहीं जीतेंगे तो सच बोल रहे हैं दोस्तों, मतलब कोई भी रहे ना किसी को फिर डर नहीं लगेगा। अगर इनको सजा हो गया ना तो फिर कोई भी गुनाह करने से जो है ना 100 बार सोचेगा, 100 बार सोचेगा गुनाह करने से, कि हत्या करने से क्या होता है। अगर दूसरे का लड़का को मारने से कितना भोगना पड़ता है सबको पता चल जाएगा दुनिया में, ठीक है। जिस दिन अगर सच्चाई का जीत हुआ ना, आप लोगों को सच बोल रहे हैं, उस दिन जो है देखिएगा कुछ ना कुछ सुधार होगा, नहीं तो अभी भी देखिए दोस्तों आदमी सब क्या करते हैं, एक दूसरे को जो है हत्या कर देते हैं, फिर बस पैसे फेंक के बाहर, ये सब सोच सोच करके जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्राइम। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग सपोर्ट कीजिए, ताकि जो है आगे से ऐसा ना हो, क्योंकि देखिए आप भी किसी के लड़के हैं, हम भी किसी के लड़के हैं, अगर हम उसको मार देंगे तो कितना ज़्यादा मतलब तकलीफ होगा, उनके माँ बाप को कौन देखेगा, ये कोई सोचता है, मारने से पहले नहीं सोचता है दोस्तों। भोगना तो उनको पड़ेगा ना, जो मारता है उनको क्या फर्क पड़ता है दोस्तों। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों आप लोग सच्चाई का साथ दीजिए, ताकि क्राइम ना बढ़े, है ना, आगे से ऐसा बात ना हो। तो यही कहेंगे दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों आप लोग सपोर्ट कीजिए, है ना, सपोर्ट करेंगे तभी हम लोग जीत पाएंगे, ऐसे नहीं जीत पाएंगे। अभी जो केस चल रहा है, कितना 2 साल होने वाला है, अप्रैल में ही पहले डेट ना, अप्रैल में ही हुआ, अप्रैल के अगस्त में ऐसे ही हुआ था डेट, तो 2 साल हो जाएगा दोस्तों, है ना। 2 साल में देखिए जो गुनाह किया है उनको कोई फर्क पड़ रहा है, अभी भी घमंड दिखा रहा है, अभी भी घमंड में ही चलता है, और हम लोग कुछ नहीं किए, हम लोग लिप के चलते हैं, उनसे डर जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उनमें हम में बहुत फर्क है, उनको डर नहीं लगता है कुछ करने में, हम लोग कभी कुछ किए ना तो हम लोग को डर लगता है कि कहीं जाएंगे कहीं मार ना दे, जो वो तो चलिए दूर की बात है, जाएंगे तो मार देंगे, लेकिन जो मुंह पे धमकी दिया है उनसे तो डर किसी को भी लग सकता है दोस्तों, क्योंकि वो पहले किया हुआ वही हमको धमकी दे रहा है, तो हमको डर लगेगा ही ना, क्या पता जाएंगे तो सच में वो मार देगा। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों हम लोग अभी तक गलत कदम नहीं उठाए हैं, क्यों नहीं उठाए हैं, यही कि हम लोग जो है न्यायालय पे भरोसा करते हैं, कानून पे भरोसा करते हैं, कि हम लोग को न्याय जरूर दिलाएंगे, हम लोग को तो वैसे भरोसा है, बाकी आप लोग सपोर्ट कीजिए, है ना, ताकि सच्चाई का जीत हो, सच्चाई का जीत हो। और यही दुआ करेंगे दोस्तों भगवान से कि अगर जीत जाएंगे ना केस में, छोटू का केस में, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और क्राइम भी बहुत कम हो जाएगा,
ताकि एक दूसरे को मर्डर करने से भी सोचेगा, है ना। पूरा दुनिया में फैला देंगे ये बात को अगर जब जीत गए तो। अगर हार गए तब तो दोस्तों किसी का कुछ नहीं हो सकता है, तब कोई किसी का मर्डर कर देगा, बोलेगा अरे फलना तो किया था, वो तो पैसा पे वापस आ गए, हम भी पैसे फेंक के आ जाएंगे, ये सब सोचने लगेगा तब। प्लीज़ दोस्तों आप लोग इसी तरह जो है सपोर्ट करते रहिए, अभी जिस तरह कर रहे हैं ना बहुत है, इतना कीजिए बहुत है दोस्तों। इसी तरह प्यार दुलार दीजिएगा ना तो पक्का जीत होगा। देखिएगा लोग सब बोलते हैं ना आरती जी शादी करके जो है अपने प्यार को भुला दिए हैं, तो प्यार को नहीं भुलाएं, अभी भी केस चल रहा है, हार नहीं माने हैं। अगर हार मानते ना हम लोग छोड़ देते, ये जो देख रहे हैं ना घर इस तरह का और ये इस तरह का टूटा फूटा नहीं रहता, हम लोग मकान बना लेते, ठीक है मकान बना लेते। लेकिन अभी जितना भी पैसा हो रहा है बीमारी में केस में लग रहा है ऐसा बात। और मान लीजिए हम लोग को तो खेती बाड़ी है नहीं उतना, तो फिलहाल दूसरे के पास था तो उसी को कर रहे हैं अभी, दूसरे का खेत है ना। तो बस इसी तरह आप लोग प्यार दुलार दीजिए कि जो है आगे बढ़ पाएँ और जो है लड़ सकें उनसे, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता दोस्तों, है ना। वैसे तो अभी बहुत बहुत प्यार दुलार दे रहे हैं, 99% जो है हम ही लोग के साथ दे रहे हैं, है ना। जो बुराई का साथ दे रहे हैं उनको भी बोल रहे हैं दोस्तों, देखिए आज बुराई का साथ दे रहे हैं आप, कल चल के आपके घर में भी होगा ना, तो तब आपको मतलब जो है दिखाई देगा कि क्या होता है बुराई और क्या होता है सच्चाई, तब दिखाई दे। वैसे किसी के ऊपर नहीं पड़ता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कौन क्या करता है उससे कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, जब अपने आप होता है तब एहसास होता है कि नहीं यार उनके साथ गलत हुआ, तब सोचता ये बात। लेकिन तब सोच के क्या फ़ायदा, चिड़िया तो चूक गई हैं, फिर क्या फ़ायदा सोच के, यही सब ठीक है। तो चलिए फ़िलहाल अभी जो है आरती जी सोई हुई है और हम द्वार पे बैठे हैं क्योंकि कोई नहीं है, है ना, देख सकते हैं इसीलिए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और पप्पा जी गए हैं केस के सिलसिला में, वहाँ से आते हैं तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। और आरती छोटू पे 1 बजे देखिएगा, है ना। तो ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।